गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं दैट इज़ आर पोइम नंबर टू लेबर्नम टॉप रिटन बाय ह्यूज ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द टू मीनिंग्स हेयर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर वन इज लेबर्नम टू वर्ड्स हेयर आर रिटन डाउन नंबर वन इज लेबर्नम लेबर्नम इज़ अ नेम ऑफ ट्री विच इज़ अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज येलो फ्लावर्स एंड द पॉइजनस सीड्स वाइल्ड द ग्लो गोल्ड फ्लेंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फैदर्स एंड इट्स विंग्स लेबरनम आपका एक ट्री है उसकी जो ब्रांचेज हैं दैट इज हैंगिंग और येलो कलर के फ्लावर्स उसके ऊपर आते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं जबकि गोल्ड फ्लिंच हैं वो एक बर्ड है जो कि सिंगिंग भी करता है लाइक दैट ऑफ आपका कोयल आप कह सकते हो और उसके येलो कलर, कलर के फ्ला फैदर्स होते हैं और इसके विंग्स होते हैं ठीक है नाव वी आर कमिंग टू द पोइम एक्सप्लेनेशन पार्ट This is your uh, uh, poem uh, within the NCRT, uh, which is written by Ted Hughes. And uh, now we come to the explanations. Uh. Good afternoon, students. So, here is our uh, explanation of the poem The laburnum top presents a reciprocating relationship between the laburnum tree and the goldfinch. विद इन दिस पोएम देर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बींग शोन बिटवीन द लेबर्नम टॉप एंड अ गोल्ड फ्लिंच वर्ड विद अ येलो फैदर्स द गोल्फ फ्लिंच अराइज इन हर नेस्ट बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ लेबर्नम ट्री टू फीड हर यंग वंस गोल्ड फ्लिंच बर्ड जो है वो अपने नेस्ट में आती है जो कि आपका लेबर्नम टॉप ट्री लेबर्नम टॉप मीन ट्री के टॉप साइड में बना हुआ है एंड सो दैट कि वो अपने यंग वंस अपने जो बेबीज हैं उनको फीड करा सके The poem begins with the description of the laburnum top. Poem आपका जो starting हो रही है तो उसमें पहले tree के बारे में description आपको दिया गया है and it is telling to us that uh, on a Sunday afternoon the top of tree stands silent and still. कि दोपहर के time में जो tree होता है वो बिल्कुल motionless है silent है और still है उसमें कोई भी movement नहीं है क्योंकि एक तो autumn season है और uh, जो उसके लीव्स हैं वो ऑलरेडी मोशनलेस हैं द लीव्स ऑफ द ट्री हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड द सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन दिस सीन डिपेक्ट्स द सीज़न ऑफ ऑटम जो आपका ट्री के लीव्स हैं वो बिल्कुल पेल हो चुके हैं वो येलो बन चुके हैं एंड उसके जो सीड्स हैं वो भी गिर चुके हैं और बेसिकली जो लेबरनम के ट्री के जो सीड्स होते हैं दे आर पॉइजनस इन नेचर और पूरा जो सीन है वो आपका किसी ऑटम के सीजन की नून के टाइम का बताता है उस टाइम हमारे सारे जो ट्रीज़ के लीव्स होते हैं वो फॉल हो जाते हैं जनरली नेक्स्ट है द साइलेंस ऑफ द ट्री इज़ ब्रोकन विद द सडन अराइवल ऑफ गोल्ड फ्लिंच जो ट्री पे अभी तक कोई भी मोवमेंट uh, नहीं थी कोई भी uh, एक तरीके से सिंगल हलचल नहीं थी जैसे ही गोल्ड फ्लिंच बर्ड आती है तो वो साइलेंस उसका टूट जाता है द बर्ड्स अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच जो उसके एक ब्रांच होती है वो उस पर गोल्ड फ्लिंच बर्ड अराइव होती है विद अ चिरप चिरप का मीन्स चहचहाना आते ही वो चहचहाना शुरू कर देती है हर एंट्री इन टू द थिकनेस ऑफ ब्रांच इज़ स्लीक अलर्ट एब्रप्ट जस्ट लाइक दैट ऑफ लिजार्ट जब वो एंट्री करती है उसकी ब्रांचेस में थिकनेस वाली ब्रांचेस में तो उसकी एंट्री जस्ट स्लीक है मतलब एकदम फ्लैट ली वो अराइव होती है अलर्ट मतलब एक दूसरे लोगों को अलर्ट करती हुई चेतावनी देती हुई और एब्रप्ट मीन्स अचानक से ही वो आ जाती है जैसे कि कोई हमारी लिजार्ट उसके अंदर एंटर कर रही हो एज शी अराइव इट सीन्स अप एज इफ अ मशीन हैज स्टार्टेड जब वो आती है तो उस पेड़ पे इतनी मूवमेंट हो जाती है जैसे जनरली कोई मशीन चल रही होती है तो उस मशीन के चलने की आवाज़ आती है दैट हैड बीन साइलेंट स्टिल देन लेकिन उससे पहले उस पेड़ पे कोई भी मूवमेंट नहीं थी तो कोई भी आवाज़ नहीं थी हैज स्टार्टेड अप एज द यंग वन ऑफ द गोल्ड फ्रिंच आर फील्ड विद एक्साइटमेंट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइसिस ऑन द अराइवल ऑफ दर मदर और ये जो आवाज़ थी वो गोल्ड फ्रिंच के यंग वंस की थी जो कि अपनी मदर के आने पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे दे आर एक्साइटेड विद अ जॉय एंड वो उसके आने की खुशी में चह चाह रहे थे और उनके चहचहाने की सारी आवाज़ थी दिस सिंह चिरप ट्विटो एंड क्रिएट कोमोशन वो तो वो सब खुशी के मारे एक तरीके से सिंगिंग कर रहे हैं सिंगिंग इन द सेंस कि वो चिरपिंग करके ही सिंगिंग कर रहे हैं आइर आपका ट्विटरिंग से भी चहचाना होता है और इसी सब से उस पेड़ के ऊपर एक कोमोशन एक मूवमेंट होने लगती है विद दियर चिरप्स एंड मूवमेंट्स उनके चहचहाने की आवाज़ से और उनके जो वो अपने घोंसले में थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहे हैं द होल ट्री कम्स अलाइव पूरा का पूरा ट्री ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अलाइव हो चुका है बिल्कुल जीवंत हो चुका है एंड इट ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स और ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ जो है अब वो काँपना शुरू कर देगा इंजन ऑफ हर फैमिली दिस बिकम्स द इंजन ऑफ हर फैमिली वो इस जो ये है वो उसकी इंजन ऑफ द फैमिली है मीन्स ये सारी जो आवाजें हैं वो उसकी फैमिली की हैं शी फीड द यंग वंस एंड आफ्टर फीडिंग दैम फ्लाइज टू द ब्रांच एंड पीपिंग आउट द डार्क कलर्ड स्ट्रिप्ड फेस और जब वो अपने यंग वंस को खाना खिलाती है तो उसके बाद वो वहाँ से ब्रांच एंड पे जैसे वो आई थी उसी तरीके से वो उड़ जाती है वापस पीपिंग आउट मतलब बाहर की तरफ देखना वो अपना फेस ऊपर की साइड करती है और वहाँ जो सामने उसके इतना बड़ा स्काई है उसकी तरफ देखती है पीपिंग आउट मतलब होता है बाहर की तरफ देखना एंड पीपिंग इन टू लुक इन साइड with a whistle विसल चिराप शी हैड्स टू वॉर्ड्स द वास स्काई लिविंग द ट्री वन सकैंड विद लास्टली फिर से वही होता है विद अ विसल चिरप मतलब वो अपने एक मूवमेंट करती हैं अपने बच्चों को गाइड करती है और उसके बाद वो वास्ट स्काई जो पूरा पूरे आसमान जो फैला हुआ है वहाँ पे वो उसकी तरफ मूव करती है और ट्री एक बार दोबारा से आपका एम्प्टी हो जाता है ऐसे ही हो जाता है जैसे उस पर कोई भी नहीं है और उस पर कोई भी मूवमेंट दोबारा से बाकी नहीं रहती